ओके वेलकम टू पेपर एनालिसिस ऑफ सी ए फाउंडेशन यूनिट टेस्ट नंबर टू वेयर वी आर टेकिंग चैप्टर्स स्पेशली फ्रॉम चैप्टर नंबर टू दैट इज सेंटेंसेस चैप्टर नंबर एट आर्टिकल्स चैप्टर नंबर रिपोर्ट्स एंड चैप्टर नंबर टेन में से मैंने इसमें उठाया एक सर्कुलर तो इन सब की एक छोटा सा प्रैक्टिस हो जाएगी और इट कैन बी अ वर्कशीट सेशन फॉर यू एज वेल इट कैन बी अ प्रैक्टिस सेशन एंड द बेस्ट इट कैन बी द टेस्ट एनालिसिस फॉर यू let's start with the first one. Convert into passive voice. So actually, मैंने आपको 20 marks का एक test दिया था, चार questions, five, five, five marks के अलग-अलग, और 30 minutes duration इसलिए दिया था, so that आराम से तुम अपनी efficiency test कर सको. Speed से ज़्यादा ज़रूरी होता है accuracy. Accuracy is more important than speed. Tell me one thing. Passive voice में तुम्हारा answer क्या-क्या आया था, वो check कर लेते हैं. We have thrown the basket in bin. इस sentence को answer देने के लिए, we वाला जो है subject. हैव थ्रोन है अपना वर्ब और द बास्केट इज ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट नंबर वन इन बिन है अपना ऑब्जेक्ट नंबर राइट तो ये हो गया आपका एस वी ओ वाला फॉर्मेट और बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाओ पैसिव वॉइस क्या बनेगा कमॉन नंबर वन का आंसर क्या होगा बास्केट को आगे लाओगे या बिन को आगे लाओगे बास्केट को आपने फेंका है या बिन में बिन को फेंका है हाँ, बास्केट को फेंका है बिन में तो बिन इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी बास्केट है तो ये बास्केट पे बनेगा पैसे इस इसको आगे लाओ दी बास्केट के आगे क्या आएगा बास्केट थ्रोन या बीन थ्रोन वेरी गुड यहां पर हैज थ्रोन अगर गलती से लिख दिया तो बास्केट फेंक चुकी है गलती हो गई तो हाँ तो बास्केट ने नहीं फेंका बास्केट तो को फेंका गया तो यहां पे बीन लगाना जरूरी है क्या The basket has been right. राइट हाँ अब इन बिन बाय वाला जो सेंटेंस है ना कभी आपको याद रखना बुक में बाय इन बिन भी मिलेगा दोनों एक ही जैसे हैं दोनों में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुमको लगता है कि बाय अस ज्यादा जरूरी है तो बायस आगे ले लो तुमको लगता है बिन ज्यादा जरूरी है तो बिन को आगे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों एक ही चीज है बाय अस इन बिन भी ठीक है और इन बिन बायस भी ठीक है लिख लिया गया ये था आपका फर्स्ट वाला अगर आपने आपने ये वाला चेंजेस किए हैं, बायस एनबिन में को को आगे लिया है, बायस को तो कोई बड़ी बात नहीं है आपने गलत लिखा है एक वर्ड भी गलत लिखा है तो सीधा जीरो मार्क्स मिलेगा ध्यान रखना आपको फुल मार्क्स चाहिए तो पूरा सही पेंटिंग like यही था अब डिड खुशी लाइक पेंटिंग वाला सेंटेंस में आपको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा कि कौन किसको लाइक कर रही है तो टेल मी अगर पेंटिंग को आगे लाएंगे तो क्या बनेगा कमॉन पेंटिंग को छोटा लिख रहा हूं मैं रीजन पेंटिंग से भी पहले क्या क्वेश्चन मार्क को मेंटेन करना है एवरी क्वेश्चन मार्क को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है एक डिड की जगह याद करो डू डिड को अपन रिप्लेस कर देते थे, थे एक्स्ट्रा बी फॉर्म जो आने वाली है याद करो डिड रिप्लेस होता है वॉजवर से और डू और डिस्प्लेस किससे होते हैं इज़ आर क्या हो रहा है यस yes. चलो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मुझे बताओ डिड खुशी लाइक पेंटिंग वाला सेंटेंस में वॉज आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट और वॉज पेंटिंग के आगे क्या आएगा तुम बताओ वॉज पेंटिंग अब ये खुशी लाइक पेंटिंग में आई एन जी का है जो बिंग लगाएंगे बिंग की जरूरत ही नहीं है वॉज पेंटिंग में लाइक का थर्ड फॉर्म लगा दो क्या लगेगा लाइक अब बताओ किसके द्वारा बाय खुशी ये सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है क्वेश्चन मार्क

तो बताओ ब्रिंग माई बैग का अपन बनाते थे यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग माई बैग कुछ याद आया और एक लेट वाला भी बनाया था लेट द ऑर्डर लेट द बैग बी ब्रॉट अब लेट द वाला तो बनेगा नहीं इसमें डू यू रियली थिंक ये रिक्वेस्ट में लेट लगा सकते हैं अपन परमिशन तो बनेगी नहीं तो बनेगा सिर्फ इसमें यू आर रिक्वेस्टेड कुछ याद आया क्या बनेगा कमॉन यू आर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड टू अब उसमें प्लीज को तो कन्वर्ट कर दिया हमने यू आर रिक्वेस्टेड टेल मी ये एक्स्ट्रा बी फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म हो गया पैसे इसमें बस यू को हम पहले जो सब्जेक्ट मान रहे थे इस बार हम यू को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड तुमको रिक्वेस्ट किया जाता है किसके लिए टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस राइट टू सोल्व दीज क्वेश्चन मतलब तुम खुद को मार्क्स खुद के लिए दे सकते हो अगर तुम्हारे को सही आंसर की पता हो तो एक्यूरेसी आंसर की में आती है ध्यान से सुनना अगर हम चेकिंग करते हैं नोटबुक बहुत बार क्या होता है इतनी सारी नोटबुक चेक करने की वजह से गलत तरीके से भी नोटबुक चेक हो जाती है दैट इज तुम्हारा सही आंसर भी गलत टिक हो जाता है कभी कभी और गलत आंसर भी सही टिक हो जाता है ये हो जाता है पर जब हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं तो हमको एक एक कण से कण पता लगता है कि बाय बिट बाय बिट क्या मिस्टेक हो रही है

ठीक है, नंबर वन डन लेट्स टॉक अबाउट वन डायरेक्ट स्पीच बताओ कन्वर्ट इंटू डायरेक्ट करना है सबसे पहला कौन सा था he 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 कन्वर्ट किसमें करना है डायरेक्ट में मतलब तुमको इनवर्टेड कॉमास में ले जाना है इसको कैसे ले जाओगे he said, तो he said ही रहने दे तो कैसा रहेगा

क्या आपने ही का आई नहीं किया तो भी भारी मिस्टेक हो गई क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि उस दिन ड्राइव करने वाला वो खुद था मैं नहीं था इसलिए आपको उसका आई यूज करना पड़ेगा ये तो क्लियर है इजी था ये तो ठीक है नंबर टू राजा से रानी अब राजा सेज दैट ही इज गोइंग टू शंघाई वाले सेंटेंस में राजा सेज बोला गया है ध्यान रखना सेंटेंस में किसका फोकस है प्रेजेंटेंस या पास्ट टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में वो कह रहा है कि बोला नहीं बोलता है राजा बोलता है कि ही इज गोइंग टू शंघाई वो जाएगा पर वो कभी पूरा नहीं होता इस सेंटेंस में राजा एक बार नहीं बार बार बोलता है ये सेंटेंस तो टेंस चेंज होगा क्या टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है बोलो राजा सेज के आगे क्या होना चाहिए दैट हटा दे दैट को हटाते ही क्या बचा आई आई एम गोइंग क्या उसका ही हमारा आई है क्योंकि हमारे लिए तो राजा ही नहीं है हमारे लिए राजा आई बन जाएगा जब इन्वर्टेड कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स खोलते हुए वापस ही बन जाएगा टेलमी आई एम गोइंग टू शंघाई करेंट रानी आई एम गोइंग टू शंघाई विथ रानी लिखा क्या ये हो गया आपका सेकंड परफेक्ट है चलो ये हो गया हमारे डायरेक्ट इंड का फर्स्ट सेकंड राउंड नेक्स्ट बताओ आर्टिकल चाहिए आपको किसका प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग का ठीक है तो अगर द प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग पर तुमको आर्टिकल लिखना है आर्टिकल तो आप एग्जाम्स में कैसे लिखोगे याद रखना एग्जाम्स में इसको क्वेश्चन नंबर थ्री लिखना आगे लिखना आर्टिकल और आर्टिकल के जस्ट नीचे आप इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिख दो उसका टाइटल इन्वर्टेड कॉमास ना भी हो तो भी कैप्स में तो आ गया अपना द प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग अगर ये वन या टू वर्ड्स का होता तो मैं फुल कैप्स में लिखता इसको पर क्योंकि ये चार वर्ड्स का है तो मैं इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल में करता ठीक है आर्टिकल राइटिंग में, में मैक्सिमम क्या होता है हम लोगों को ऑथर का नाम लिखने की इतनी खास जरूरत है नहीं पर अगर दे रखा होता तो हम जरूर लिखते दे रखा है क्या नहीं तो आप चाहो तो बाय बाय या एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो ठीक है नहीं दे रखा है तो एबीसी इनफैक्ट तुम बाय बायीसी नहीं भी लगाओगे भूल गए तो भी कोई मना करने वाला नहीं क्योंकि आर्टिकल में जरूरत भी नहीं आर्टिकल में ऑथर का इतना वैल्यू नहीं है तो स्टार्ट करते हैं सीधे बॉडी बताओ प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग पे आप लोग सबसे पहले क्या सोच सकते हो इसका आर्टिकल राइटिंग का मैं तुमको माइंड मैपिंग देना चाहता हूं उस माइंड मैपिंग को कन्वर्ट करके तुम क्या बना देना आर्टिकल वो इजी हो जाएगा तो प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग का माइंड मैपिंग दू या फुल लिखू बताओ माइंड मैपिंग से काम चल सकता है ना तुम उन थॉट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके कन्वर्ट कर लेना मैं तुमको पॉइंट्स दे रहा हूं याद रखना आंसर की में कभी भी कोई टीचर अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट ए टू जेड लिखवा रहा है तो वो आपको बर्बाद कर रहा है क्योंकि फिर आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई हाँ लेकिन अगर वो आपको सरप्लस अमाउंट में पॉइंट्स दे रहा है जिसमें से कुछ पॉइंट तुम चुनकर लिख सकते हो तो इसका मतलब वो आपको प्रोडक्टिव एस्पेक्ट दे रहा है तो मैं प्रोडक्टिव एस्पेक्ट पे फोकस करता हूं राइट तुम अपनी क्रिएटिविटी लगाओ मैं अपने हिसाब से बेस्ट बता देता हूं क्या क्या हो सकता है तो मैंने प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग के लिए फर्स्ट पैराग्राफ सोचा नहीं है अभी अब सोचेंगे सब ध्यान से सुनना द प्लेजर ऑफ ट्रैवलिंग में क्या क्या हो सकता है प्लेजर का मतलब बोलो हैप्पीनेस क्या हम सबसे पहले इसके अगर मल्टीपल एरियाज की बात करें उसमें ट्रैवलिंग इज अ अ हॉबी वेल पैशन पे फोकस कर सकते हैं क्या टेल तो मी ट्रैवलिंग है ना ट्रैवलिंग एज हॉबी भी करते हैं लोग अभी मतलब इतना कोई डेडिकेटेडली ट्रैवलिंग नहीं करता कभी कभार सोलो ट्रैवलिंग वगैरह कर लेते हैं फैमिली ट्रिप्स स्कूल जिसकी हॉबी होती कैसे करता है Come on. Picnics पे चला जाता है कभी-कभार? शायद passionate करते हैं वो। हॉबी तो बहुत सारे लोगों की होती है पर ट्रैवलिंग एज अ पैशन बहुत कम लोगों की होती है वो पैशन क्या ले जाता है उनको सोलो ट्रिप्स पे ले जाता है यस yes no? ठीक है ये सोलो ट्रिप्स हो जाएगी और हॉबी में तो हम पिकनिक्स आउटिंग्स कभी कभार रेंडमली कर लेते नो लॉन्ग ड्राइव ये हो सकती है हॉबी कभी कभार निकल गए ठीक है और पैशन में तो लोग इवन गो फॉर सोलो ट्रिप्स एंड एक्सप्लोरिंग ट्रिप्स याद आया एक्सप्लोरिंग मतलब किसी भी प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए उसके घर पे रहते हैं वहीं पे खाना खाते हैं उन्हीं का पहनते हैं पूरा कल्चर एक्सप्लोर करते हैं एक्सप्लोरिंग ट्रिप्स हो गई

पीपल गो फॉर एडवेंचर ट्रिप्स याद आया कुछ ट्रैकिंग भी तो होती है ट्रैकिंग की डबल क्या आता है क्या उसमें एंड एडवेंचर ट्रिप्स इवन गो फॉर सफारी जंगल ट्रिप्स विदाउट गुड कंफर्ट्स उनके पास ज्यादा लग्जरी लाइफ भी नहीं होती फिर भी वो जाते हैं क्योंकि वो पैशन होता है उनका तो बताओ ये दोनों फर्स्ट पैराग्राफ में आ सकते हैं तो हमने ट्रेवलिंग को एज अबी डिस्क्राइब कर दिया वॉट इज ट्रेवलिंग समझाने के बाद

सिर्फ ट्रेवलिंग होता ना तो मैरिट उठा लेते अपन हमको प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग की बात करनी है तो सिर्फ मैरिट्स ही उठा पाओगे डीमेरिट्स नहीं उठा पाओगे टेल मी प्रॉब्लम सोल्यूशन भाई लोगों को ट्रेवलिंग से खुशी तो मिलती है पर क्यों नहीं कर पाते ट्रेवलिंग वो प्रॉब्लम हो जाएगा और अगर ट्रैवलिंग कर लोगे तो मजा कितना है सोल्यूशन हो जाएगा या इसको ऐसे करें कॉज इफेक्ट मतलब लोगों को ट्रेवलिंग में पैशन में क्यों आता है इतना मजा क्यों आता है एक तो कॉज हो जाएगा और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ट्रेवलिंग इंडस्ट्री बूस्ट कर जाती है आया पकड़ में तो हम लोग प्रॉब्लम सोल्यूशन में से मुझे लग रहा है कॉज उठा सकते हैं वैसे कॉज इफेक्ट किसी सोशल नेगेटिव इशूज पे ज्यादा होते वाले टॉपिक ज्यादा उठ जाता है ये। पर इसमें भी उठाना चाहें तो चलो प्रॉब्लम सोल्यूशन उठा लेते हैं थोड़ा ठीक रहेगा प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे वाई डू पीपल वाई कॉन्ट पीपल ट्रेवल सो मच अगर ट्रेवलिंग इतनी अच्छी चीज है तो लोग ट्रेवल कर क्यों नहीं पाते फाइनेंशियल इश्यूज होते me, हैं मी प्रॉब्लम्स बाद में बताएं क्योंकि प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग हम इसके फायदे गिना सकते हैं सिग्निफिकेंस काइंड ऑफ एक तो सिग्निफिकेंस पे ले लो ठीक है एक सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेवलिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस एक ही चीज है लोग ट्रेवल क्यों करते हैं क्योंकि उनको खुशी बहुत मिलती है तो आई थिंक ये तो हमने इंट्रो दिया था और अब हम उसका इंपॉर्टेंस बताने वाले हैं सिग्निफिकेंस स्लैश क्या बोलने जा रहा हूं उसमें देखो सिनोनिम्स यूज करना सीखो आप राइटिंग में द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैवलिंग इज दैट ट्रैवलिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मैनी पीपल बताओ मैंने दो ही सिनोनिम्स एक लाइन में घुसा दिए आया समझ ये तरीका होता है यूज करने का राइट लेकिन एक बात बताओ सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस में हम लोग बहुत सारे मैरिट्स ही मैरिट्स गिनाने वाले हैं सुनो फीचर्स ट्रैवलिंग के मेरिट्स के क्या क्या फायदे हैं और क्यों करते हैं ये सब तो वाई और हाउ में बाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी. हाउ तो हमने अभी लिखा ही नहीं है मुझे बताओ प्लेजर्स ऑफ ट्रेवलिंग में हाउ की जरूरत भी नहीं है हमको वाई पे फोकस ज्यादा करना है क्या वाई ट्रेवलिंग वाला आंसर मिल जाएगा इसमें मिल जाएगा बताओ मेरिट्स और फीचर्स में कौन कौन सी चीजें हो सकती है टेलमी मेरिट्स और फीचर्स में अगर हम एडवांटेजेस की बातें करना चाहें तो कौन कौन से फीचर्स की बात हो टेलमी क्या ट्रेवलिंग करने से नॉलेज मिलता है वो भी कौन सा बुकिश या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज एक तो ये पॉइंट हो सकता है बताओ पर्सनल ग्रोथ होती है क्या पर्सनल ग्रोथ मतलब लाइफ स्किल सीखते हो कि नहीं सीखते हो कम्युनिकेशन वाली बातें सोशल वाली लाइन बातें या फिर सिचुएशन हैंडलिंग वाली बातें कभी बस मिस हो गई तो क्या करना है बस मिस हो गई तो क्या करना है ये लाइफ स्किल्स वाली बातें से तो सीखते हैं एटसेट्रा लिख दू बहुत सारी चीजें हैं मैंने तीन मेन चीजें लिख दी है अब बताओ इसमें बहुत बार लोग ट्रैवल नहीं कर पाते ये वाली लाइन इतनी जरूरी नहीं है लेकिन ये वाली लाइन बहुत जरूरी थी कि पीपल सो मच? इन क्या मिलता है उनको ये करने से तो ये लिख दिया ठीक है अच्छा लोग ट्रेवल अगर नहीं कर पाते तो वट आर द प्रॉब्स दे फेस देखो एक तो फिनेंशियल प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हो सकती है या तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस की प्रॉब्लम हो सकती है

बाकी ट्रेवल करने में उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंट्रोवर्ट्स मतलब रिजर्व नेचर के हैं उनको चाहिए ही नहीं कि बाहर जाकर दुनिया कुछ देखी जाए एक्सट्रोवर्ट्स नहीं है बाहर घूमने की आदत नहीं है घर के अंदर पड़े रहने की आदत है इंट्रोवर्ट्स है ठीक है किसी से ईजिली बात क्या करना कहीं बाहर निकलने की भी नहीं सोचते तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है एटीट्यूड बैरियर हो गया ना एक तरह से तो ये बैरियर तुम डिस्कस कर सकते हो यस और नो तो पैराग्राफ नंबर वन इंट्रो ऑफ प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग पैराग्राफ नंबर टू

तो ट्रेवलिंग के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो गए लास्ट पैराग्राफ में कि विदाउट मिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग दैट ट्रेवलिंग रन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री स्पेशली द सर्विस सेक्टर यस नो सर्विस सेक्टर को ये चलाती है इट प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब अपने पास डेटा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट Big businesses to big corporate houses, even make my trip and uh, the apps which are you know, Go IP are purely running on traveling business and they are providing employment to many others as well. Hopefully, traveling will continue to give hopes not only of employment but also of pleasures in this beautiful journey because life is a balancing journey.

दिस, उसको। गवर्नमेंट डिसीजन ने लिया है कि एजुकेशनल सेंटर्स को खोलना है ईयर लेकिन लिखना क्या है इस पर न्यूज रिपोर्ट अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने का तरीका याद है पहले फॉर्मेट लिखेंगे अपन फॉर्मेट कैसे लिखते हैं कमॉन देखो फॉर्मेंट लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। गवर्नमेंट डिसीजन टू ओपन एजुकेशन सेंटर्स आफ्टर ऑलमोस्ट अयर का हेडलाइन इतना बड़ा नहीं बनेगा हेडलाइन इसका थोड़ा छोटा बनेगा तो बनाओ छोटा कैसे बनाओगे हेलो <coughs> कैसे बनाओगे कैसे यस स्कूल्स एंड कॉलेजेस को एजुकेशनल टेंपल्स बोल सकते हैं right? राइट एजू सेंटर्स बोलते हैं टेंपल्स चलो एजू सेंटर्स ओपन ठीक है आफ्टर अ ईयर ऑफ वेकेशन आफ्टर हम्म इसको ऐसा लिखो ओपन तक तो ठीक है एजुकेशन सेंटर्स ओपन या टू ओपन टू ओपन सून टैलमी कैसा लग रहा है ये सून का मतलब क्लियर है क्या बहुत जल्दी खुलने वाला है राइट अब बताओ एजुकेशन सेंटर्स टू ओपन सून वाले सेंटेंस में वेरी गुड क्या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बहुत बार देखते हैं तुम लोग इसलिए मैंने एजुकेशन पर पूरा भी लिख सकते हो आप एजुकेशन सेंटर्स टू ओपन सून ऐसी हेडलाइंस दिख जाती है कुछ याद आया जैसे मोदी जी मान लो बिलोड़ा आने वाले हैं तो नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस होता है मोदी जी विल कम टू बिलोरा और न्यूज पेपर में पता है क्या होता है मोदी जी टू कम बिलवाड़ा दिस मंडे ऐसे लिखा हुआ था। तो टू कम का मतलब हम न्यूज पेपर के हिसाब से क्या मान रहे हैं विलकम टू कम इज वेलकम काइंड ऑफ द सेम थिंग वेट मिनट ओके यस एवरीवन एजुकेशनल सेंटर्स टू ओपन सून में हम लोग क्या करने वाले हैं पहले तो ये काम याद रखना ये तो इन्वर्टेड कॉमास तो मैंने तुमको समझाने के लिए लगवा दिया बाकी लगावा देना सच में ठीक है मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको डेट लिखते थे तो डेट लिख कर वो डेट लिख देते थे वो तो फॉर्मेट की डेट अलग है ना आपको डेट लिख कर डेट नहीं लिखनी होती डायरेक्टली डेट लिखते हो तो बताओ मुझे एजुकेशन सेंटर्स टू ओपन सून में मेन मेन बात क्या है कि इसका फॉर्मेट में क्या न्यूज पेपर रिपोर्टिंग चल रही है तो डेट और प्लेस भी आएगा और उससे पहले करेस्पॉन्डेंट भी आएगा तो कहाँ लिखेंगे करेस्पॉन्डेंट यहाँ लिख दें क्या इन्होंने नाम दिया कुछ नहीं दिया तो हम किसी से क्या करेंगे अगर मान लो खुद से कोई नाम निकालना है सुमित निकाल लो ठीक है और अगर खुद से कोई नाम नहीं निकाल तो एक्स वाई जेड भी चलेगा नो इश्यूज मैं सुमित निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा जनरल नेम लिखने के लिए सुमित एक जनरल नेम है कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है एक्स वाई जेड भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है सुमित अवस्थी लग रहा है एक रिपोर्टर ये उठाया मैंने सेपरेटर और क्या लिख दिया इसके आगे सेपरेटर की जगह बहुत सारी बुक्स में है ना वो भी मिलेगा तुमको कॉमा कॉमा भी ठीक है ये भी ठीक है एच टी हिंदुस्तान टाइम्स राइट और यहां पर मैंने प्लेस उठाई एजुकेशन सेंटर्स ओपन हो रहे हैं तो बताओ सीबीएसई की स्कूल्स की बात ज्यादा अच्छे से कर लेंगे आरबीएसई स्कूल्स होगी तो जयपुर से निकलेगा सीबीएसई स्कूल्स होगी तो दिल्ली से निकलेगा तो न्यू डेली लिख सकते हैं पे और लोकेशन से पहले क्या आएगी डेट डेट बताओ डेट क्या है आज 29 29 अक्टूबर तो तुम सेम डेट भी डाल सकते हो बिग अक्टूबर पूरा लिखना पड़ेगा ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देते चलो 2022 और यहाँ पे क्या लिखा मैंने ये न्यू डेली ये हो गया हमारा फॉर्मेट का स्टार्टिंग अब कुछ नहीं बचा अब तो बस तुमको कंप्लीट करना है कम ऑन बॉडी में मैं तुमको थोड़ा सा माइंड मैपिंग दे देता हूं कैसे कंप्लीट करोगे पूरी बॉडी नहीं लिखूंगा तो एजुकेशनल सेंटेंस टू ओपन सून का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में क्या क्या आ सकता है थोड़ा ध्यान से सुनना उन्होंने खुद ने लिखा था क्वेश्चन में कि आफ्टर ऑलमोस्ट अयर तो एक तो इस लाइन को पकड़ेंगे अपन की एक साल से एजुकेशन बनते आज तक इतना बड़ा वेकेशन मिला क्या कभी नहीं मिला इतना बड़ा वेकेशन तो एक तो हम इस बात पर पंच मारेंगे ठीक है ये बात तो समझ में आ रही है क्या हम लोग इसमें फाइव डब्ल्यू अप्रोच ले सकते हैं फाइव डब्ल्यू अप्रोच देखो कॉज इफेक्ट मेरिट्स डी बनेगा नहीं क्या हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं कि हमको ओपिनियन देनी है इस पर कोई आर्टिकल नहीं है ये सिर्फ क्या है रिपोर्ट राइटिंग तो रिपोर्ट राइटिंग में जो हुआ है बस वही बताना है सिंपल सी बात है तो बताओ क्या हुआ है ये वॉट में आ जाएगा हुँ? अब बताओ वेन वेयर ये ऐसी डिटेल्स है वेन और वेयर जो वॉट के ही पार्ट में आ सकती है क्या क्योंकि कोई बड़ी डिटेल्स नहीं है वेन और वेयर वाली सिंपल सी बात है कब हुआ था एक साल पहले हुआ था लॉकडाउन तब से बंद पड़ा है और बिगेस्ट एवर वेकेशन हुआ है राइट right? वेयर क्या हुआ है इंडिया में हुआ है ये तुम

अब स्कूल शट डाउन ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन हुआ है? ऑफलाइन हुआ है है ना इन ऑफलाइन मोड आया क्या या जिसको हम कैंपस मोड भी कहते हैं कैंपस मोड बंद हो गया दैट्स अब बताओ व्हेन हुआ है ये अ ईयर बैक हुआ है या एन ईयर बैक हुआ है एन ईयर बैक मतलब अभी चल रहा है 2022 2021 में हुआ है ये ये लिखेंगे हम है ना और वेयर हुआ है जल्दी बताओ वेयर हुआ है तो आई थिंक इंडिया में हुआ है इंडिया के सीबीएसई सारे स्कूल्स में हुआ है यस और नो क्योंकि स्टेट्स ने तो अपने अपने हिसाब से बंद करे थे पर गवर्नमेंट ने बोल दिया था सीबीएसई तो हाथों हाथ बंद कर दो करेक्ट क्योंकि तो गवर्नमेंट के अंडर कौन सी आती है सेंट्रल सीबीएसई स्कूल्स के अलावा जल्दी बताओ सीबीएसई स्कूल्स के अलावा केवी और नवोदय ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं क्या तो ये इन सबको इसने क्या कर दिया बंद कर दिया आया क्या कंटेंट बन रहा है इस कंटेंट को सेंटेंसेस डाल के खत्म करो यह तो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ के बाद कुछ लोग सोचते थे कि गलत किया बंद करके इतना लंबा वेकेशन नहीं देना चाहिए था मतलब दूर दूर बिठा के स्कूल चला लेनी चाहिए थी थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है राइट क्योंकि बच्चों का मार्क्स तो उनको मिला पर वो रिलायबल नहीं था कुछ लोगों को तो सीधे प्रमोशन मिल गया और काफी सारे लोग इसके फेवर में नहीं थे टेल मी वाई के लिए क्या दो ओपिनियन दे सकते हो फेवर वाली और एक अगेंस्ट वाली यस ऑन तो तुम आराम से सेकंड पैराग्राफ इस बात पर निकाल सकते हो दैट द एजुकेशनल सेंटर्स विच वर क्लोज फ्रॉम ऑलमोस्ट वन ईयर फ्रॉम दब्लिक फ्यूर इन फेवर ऑफ द डिसीजनिंग आर्टिकल जैसे फॉर्मेट में आ रहा है पर इस पर ज्यादा डिटेल में मत जाना था थोड़ा बहुत ले लेना काफी क्या तुम हाउ पे फोकस कर सकते हो कैसे हुआ शटडाउन क्या पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया था यस और नो हर स्कूल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी और ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट जूम प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म को हुआ यस और नो तो हाउ कर से किया ऑफलाइन को क्या शिफ्ट किया कमॉन ऑफलाइन को ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट किया इसको क्या बोलते हैं अपन ई एजुकेशन क्या बोलते हैं तो ई एजुकेशन वॉज रनिंग देयर अब ई एजुकेशन में कैसी कैसी फैसिलिटीज थी तुम लोगों को बता सकते हो ना

टेक्निकल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे टीचर्स राइट right? तो ये बात लिख सकते हो क्या आप इसमें कि ऑनलाइन एजुकेशन में जब वो शिफ्ट कर रहे थे तो क्लासेस वर रनिंग ऑन जूम एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑल द एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैड टू क्रिएट सम वीडियोस वाज ऑन द बूम बिकॉज स्टूडेंट्स नाउ कुड इजीली प्रिफर ऑनलाइन एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ वन विंडो एंड अनदर विंडो वॉज यूट्यूब एंड द थर्ड विंडो यू नो कैन बी सो डिस्ट्रैक्टिंग

ये जब ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था तो क्या वापस ऑनलाइन से ऑफलाइन पे शिफ्ट होने वाला है हु? तो क्या हाउ का पॉइंट नंबर वापस ले सकते हो तुम हाउ का पॉइंट नंबर फोर कैसे लोगे जल्दी बताओ ये इतने टाइम तक जो ऑनलाइन चल रहा था वो अब वापिस क्या आने वाला है ऑफलाइन आने वाला है तो उसका कोई तरीका तो होगा ना वही तो है हमारी सबसे बड़ी न्यूज तो उस तरीके को अपन कहा बताएंगे कि अब वो कैसे आ रहा है ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन क्या आपको याद है उसमें कुछ तरीका दिया था उन्होंने कि भाई स्कूल्स की कैपेसिटी होगी 50 स्टूडेंट्स की क्लास को 25 के स्लॉट्स में बुलाया जाएगा अल्टरनेट डेज बुलाए वो सब अपन डालेंगे इसमें वो आइडियाज तुमको याद करने तरीके क्या क्या थे वो ऑड इवन वाले तरीके रोल नंबर को ऑड इवन बुला लेंगे या फिर हाफ कैपेसिटी में बुला लेंगे जैसे वन टू ट्वेंटी को बुला लेंगे वन बाय टू वाला तरीका कोई भी तरीका जो तुमको दिमाग में आ, थोड़ा खुद से भी बना लेना क्या पता किसी ने वास्तव में तुम्हारे को यूज भी किया हो किसी स्कूल में राइट right? टीचर्स को को फुल कैपेसिटी कैपेसिटी बुला बुला लेंगे बच्चों बुला लेंगे बच्चों हाफ लेकिन टीचर्स का हाइजीन ज्यादा मेंटेन करेंगे तो विद प्रॉपर पीपी किट्स एंड मास्क एंड सैनिटाइजर कंपल्सरी कर देंगे ये सब याद आया क्या सब डालना उसमें तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारी न्यूज थोड़ी सी डंकी लगेगी चार पैराग्राफ तक फर्स्ट इंट्रोडक्शन ड क्यों किया थर्ड ऑफलाइन से कैसे ऑनलाइन गए थे फोर्थ ऑनलाइन से वापस कैसे ऑफलाइन में आ रहे हैं बहुत जल्द ये खत्म कर सकते हैं इतना सा That's it. तो माइंड मैपिंग मैंने बॉडी की दी है और फॉर्मेट तुम्हारे तो सामने तैयार है ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर फोर बिकॉज तुम लोगों ने सर्कुलर आज तक नहीं पढ़ा है तो तुम्हारी थोड़ा तो सा तो नई चीज होगी फिर भी थोड़ा तो सा तो डिस्कस करने की कोशिश करना जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा सर्कुलर में बॉक्स आता है क्या यस yes. सर्कुलर एक नोटिस जैसा ही होता है नोटिस बिल्कुल वैसे ही। पहले पढ़ो। क्या है? डिपार्टमेंट नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक याद रखना सर्कुलर नोटिस छोटे छोटे होते हैं इनके फॉर्मेट थोड़े बड़े बड़े होते हैं बस तो फॉर्मेट पे दिमाग लगाओ बताओ मुझे पैकिंग डिपार्टमेंट को पार्टिसिपेट नहीं करवाना है किसमें स्ट्राइक में तो कैसे करवाओगे ठीक है अगर पैकिंग डिपार्टमेंट को पार्टिसिपेट नहीं करवाना है स्ट्राइक के अंदर तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिख रहा हूं मैं सर्कुलर में एड्रेस नहीं आता नोटिस में तुमको याद है एड्रेस आता था ऊपर ऊपर एबीसी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड आया हम यहां पे मेमोज में एड्रेस डालते हैं इसमें एड्रेस नहीं डालते हम सीधे इसमें सर्कुलर नंबर डालकर स्टार्ट कर सकते हैं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सर्कुलर नंबर सर्कुलर नंबर ए वन ट्वेंटी सेवन रैंडम नंबर ले लिया और उस साइड में डाल रहा हूं डेट तो डेट मान लो मैंने डाल दी क्या डेट है आज ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ठीक है अब हम बीच क्या लिखने वाले हैं सर्कुलर ये ऐसे कैप्स में लिख रहा हूं मैं और इसके जस्ट नीचे अपन टॉपिक डाल देंगे तो टॉपिक का नाम बोलो एडवाइजरी फॉर पैकिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज या पैकिंग डिपार्टमेंट लिख दूं और पैकिंग डिपार्टमेंट एडवाइजरी समझ में आती है भाई एक सूचना है तुम सबके फेवर में अगर तुम फॉलो करो तो अच्छा रहेगा बेसिकली हम धमकी दे रहे हैं पर क्या हम पे लिख सकते हो सकते अपने तो बात सही है कि हम लास्ट लाइन में कुछ ऐसा लिख देंगे कि वो समझ जाएंगे अगर अगर प्रोटेस्ट में स्ट्राइक में तो अपनी नौकरी कट। तो लिखो यहां पर बॉडी लिखना शुरू कर रहा हूं मैं फॉर्मेट का मेन पार्ट हो चुका है बॉडी पे आ रहे हैं चलो बॉडी क्या हो सकती है इसके लिए मुझे बताओ एक अलाइनमेंट जरूरी है कि नहीं मैंने अलाइनमेंट के लिए क्या किया बॉक्स तो बनाया लेकिन थ्री साइडेड या फोर साइडेड थ्री साइडेड फोर साइडेड बना दूंगा तो लिमिट हो जाएगी एक बार पूरा लिख लो फिर ऊपर <laughs> ही ऊपर मैंने लिखा फॉर ऑल एम्प्लॉइज ठीक है ऑफ कम ऑन फॉर ऑल ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट तो ये अटेंडीज है ना मेरे और पैकिंग मतलब ऐसा ना हो जाए नहीं लिख दो और नीचे लिख दो पैकिंग डिपार्टमेंट या ऊपर लिख लो तो यहां पे भी लिख सकते हो आप फॉर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे पर कोई बात नहीं मैं यहां पे लिख सकता हूं एडवाइजरी फॉर एम्प्लॉय ठीक है, चलो फॉर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट यहां से हम शुरू कर रहे हैं हमारा बॉडी इट इज नोटिस मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो समझा रहा हूं ताकि तुम भी लिख हम लोगों तो को, को ऐसा पता लगा है कि कुछ कुछ इंप्लॉइज ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं स्ट्राइक में तभी तो ये एडवाइजरी आएगी कि अब अगर किसी ने कोशिश करी देखो उनका तो हम करेंगे जो करेंगे तुम्हारा अगर तुमने कोशिश करी तो तुमको ऐसा 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 कुछ मिल जाएगा पेनल्टी वेलिटी लगानी पड़ेगी तो सुनो इट इज नोटिस दैट सम एंप्लॉइज ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट है ना हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑन गोइंग स्ट्राइक मेरी बात समझ में आई क्या ऐसा नोटिस में आया है कि कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें ऑन गोइंग स्ट्राइक में एंड अनसोशल एंड इन फेमस एक्टिविटीज अन सोशल इन फेमस एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला मैंने अगेंस्ट दी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है Can't be can't be entertained at any cost. can't be tolerated will entertained can't be tolerated at any cost, right Hello, yes? ट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट लिख दिया ठीक है बी अवेयर ऑफ एनी मिसकंडक्ट एज इट कैन एज इट कैन कॉस स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एक्शन एज इट कैन कॉल फॉर यज कॉज ही लिख देता हूं कॉल फॉर और अच्छा लगेगा एज इट कैन कॉल फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दॉन्ग डूअर्स रॉन्ग डूअर्स कौन है जल्दी बताओ जो स्ट्राइक में जाएंगे क्या लाइन समझ में आ रही है तुम्हारे सामने अभी दिमाग से निकाल के रखा है कुछ रटा रटाया नहीं है तुम भी कर सकते हो थॉट दिमाग में रखना अब बताओ किसी का यही का यही लिखना जरूरी नहीं है तुम सब अपना अपना यू चूज कर सकते हो राइट कि तुम किस डायरेक्शन में जाने वाले हो मेन चीज क्या है फोकस कहां रखना है इस पर फोकस होना चाहिए कि स्ट्राइक से तुमको दूर करवाना है दैट्स द मेन थिंग तो मैंने अपनी भाषा में लिखा है तुम अपनी भाषा में लिखो मेन चीज क्या है ग्रामेटिकली गलत नहीं होना चाहिए वोकैबुलरी थोड़ी सी फॉर्मल होनी चाहिए इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए यू कैन नॉट राइट वी विल बीट यू टू डेथ इफ यू गो टू स्ट्राइक ऐसे नहीं बोल सकते आप राइट right? हाँ मीनिंग आपका वही होना चाहिए तो मैंने बीवेयर लिख दिया बीवेयर मतलब समझ गए ध्यान रखना राइट right? हम डोंट माइंड नहीं कर हम कह रहे माइंड इट तो माइंड इट थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया मैंने लिख दिया बी अवेयर अब बताओ लास्ट क्या लिखेंगे कमॉन ये किसने दिया है उसका नाम आएगा नीचे नीचे तो उसका नाम आता है फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर के साथ ठीक है सिग्नेचर मैंने कर दिया है श्लोक शर्मा का एक ऐसा नाम ले लिया श्लोक शर्मा और वो श्लोक शर्मा कौन है इन सारे एम्प्लॉज का एक्चुअली ध्यान जो रखते हैं वो एचआर वाले रखते हैं तो मैंने लिख दिया एचआर मैनेजर भी हो सकता है एचआर हेड या पैकिंग डिपार्टमेंट का हेड भी हो सकता है तो मैंने लिख दिया हेड पैकिंग डिपार्टमेंट या फिर एच क्या नाम दिया एच आर मैनेजर बहुत प्यारे शब्दों में समझाया कि अगर तुमने पार्टिसिपेट किया तो बी रेडी फॉर दी कॉन्सिक्वेंसेस बात समझ में आई ये हो गया हमारा टेस्ट फिनिश लिख लिया गया इसको श्लोक शर्मा एचआर मैनेजर तो हियर वी कंप्लीट फाइव क्वेश्चन हो गए कि फाइव 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 हुए five, five mark, नहीं हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन ही थे ना सेकंड क्वेश्चन में दो ही थे तो टोटल फाइव क्वेश्चन में से ट्वेंटी मार्क्स का पेपर बन चुका है और ये है आपका एनालिसिस थैंक यू एवरीवन आई होप यू कैन सोल्व योर आंसर्स एंड गेट यूर डाउट्स क्लियर बाई दिस वीडियो इट सेल्फ आंसर नोटबुक चेकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है video analysis, इस पर ज्यादा फोकस करो और फिर से कुछ दिक्कत मिल जाता तो ऑन गोइंगीडियो को कॉस सीक बैक सीक फ्रंट करके आंसर्स निकालो वोप इट सॉल्व मैक्सिम ऑफ यूर प्रॉब्लम्स एंड जो माइंड सेट मेरा चल रहा है वो मैं बहुत ईजिल आपको यहाँ पर समझा पा रहा हूँ दैट्स द ब्यूटी द ब्यूटी ऑफ इट थैंक यू